शानदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसा कि कुछ हफ्ता पहले हमने आप तक एक खबर पहुंचाई थी, मुमरा अमृतनगर स्थित जमीतुल मुस्लिमीन मुमरा द्वारा संचालित बाबा फखरुद्दीन शाह दरगाह को लगकर के जो बड़ा कब्रिस्तान है वो अब लगभग जगह ख़त्म होने की वजह से कुछ दिनों में बंद हो जाएगा, जो ये जानकारी हमने आज तक पहुँचाई थी। आज उसी जानकारी को फिर एक बार जमीतुल मुस्लिमीन के और कब्रिस्तान कमेटी के ट्रस्टियों के साथ हम यहाँ खड़े हैं। आज 9 जुलाई को आधिकारिक रूप से ट्रस्ट की तरफ से घोषणा की जा रही है कि आज आखिरी दिन है, दो ही मैयतों के लिए जगह बची हुई थी जिनकी आज तदफीन पूरी हो गई और आज से ये कब्रिस्तान जो है मैयत दफनाने के लिए बंद कर दिया गया है। तो क्या पूरी इसके ऊपर जानकारी है, इस महीने में कितनी मैयतें आई हैं और आगे किस तरीके से प्रोसेस होगा, कितने अरसे के लिए कब्रिस्तान बंद होगा, हम पूरी बातचीत करेंगे। हमारे साथ है जमीतुल मुस्लिमीन के मुनाफ सिद्दीकी साहब और इसी जमीतुल मुस्लिमीन कमेटी द्वारा इस कब्रिस्तान की पूरी जिम्मेदारी संभालने वाले हनीफ शेख साहब। हनीफ भाई, सबसे पहले आपसे बात करूँगा, आप खास करके कब्रिस्तान कमेटी के चेयरमैन हैं, पूरा काम देखते हैं कब्रिस्तान का। सबसे पहले तो ये बताइए कि लगातार ये 3 महीनों में, ये चौथा महीना चल रहा है, उसके पहले के 3 महीनों में मैयतों के आंकड़े बहुत थे हर माह के हिसाब से, तो इस जुलाई महीने में 1 से 9 तारीख तक कितनी मैयतें अब तक तदफीन हुई है और ये आगे अभी कब्रिस्तान का आपका क्या प्रोसेस है? अभी तक जो है जुलाई महीने में 21 मैयत हो चुकी है और अभी कुछ महीनों के लिए, कम से कम 6-7 महीना तो है इसको बंद करना होगा, क्योंकि 2-3 महीना बारिश है और उसके साथ साथ आगे जो है उसके प्रोसेस करने होंगे। जैसे कुछ हम लोगों ने मिट्टी का भी इंतज़ाम किया है, फिर बालुओं का भी इंतज़ाम चल रहा है, बातचीत इंशाल्लाह ये सारा प्रोसेस होने के बाद फिर से रीओपन करेंगे हम लोग, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। और जैसे मैयतें कुछ ज़्यादा हो गई, मार्च में 75 हो गई, अप्रैल में 91 हो गई, मई में 160 हो गई और जून महीने में 206 मैयत होने की वजह से जो जगह थी हमारे पास वो कम हो गई। इसलिए अब जो कच्ची मैयत मतलब ताज़ी मैयतें दफनाएँ उसको अगर हम खोदते हैं तो उसकी बेहरमती होगी। इसके हिसाब से सब चीज़ को कमेटी ने देखते हुए ये डिसीजन लिया है कि अब इसे बंद कर दिया जाए। अच्छा, ये 6 से 7 महीने अंदाजन आप बोल रहे लगेगा जी अभी दोबारा इस कब्रिस्तान में तदफीन का काम शुरू करने जी में। ठीक है, तो ये 3 महीना बारिश के है उसमें जी, उसके बाद 3-4 महीना और पकड़ करके चलिए जी, तो लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मुमरा कौसा का जो मुस्लिम समाज है, खास करके मुमरा का, ये मुमरा की हद का कब्रिस्तान है, मुमरा की स्टेशन से लेकर दत्तूवाड़ी से लेकर अमृतनगर तक का जो है पूरा इलाका इसमें आता है, तो इन पूरे इलाके के लोगों को क्या कहेंगे आप? जैसे रफीक भाई, आज 3-4 महीने का लॉकडाउन चला, इस लॉकडाउन महीने के अंदर आप जानते हैं कि कब्रिस्तान कमेटी के सारे मेंबर्स ने, चाहे वो बरगा हो, चाहे मंजर कफन का सामान हो, हर चीज़ की सहूलतें और आज तक जो सैलरी है स्टाफ की, सब कुछ ट्रस्टी बराबर अपने हिसाब से करते आए, लेकिन कहीं ना कहीं आवाम का अब ताउन चाहिए। आवाम से हमारी एक गुजारिश है कि अब जो है 4 महीना हो गया और आगे का पता नहीं है, क्योंकि दरगाह बंद, मस्जिद बंद, चंदा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ट्रस्ट खैर इतना यह है कि आज तक के पगार सैलरी वगैरह सब चलाते आए और आगे कब्रिस्तान के प्रोसेस के लिए पैसों की ज़रूरत लगेगी, तो हम फिर से एक बार जैसे जैसे जो चीज़ की ज़रूरत लगेगी आवाम के सामने आएंगे, उनसे हम जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना ताउन करें, ये मेरी गुजारिश है। हमारे साथ है जमीतुल मुस्लिमीन कमेटी के एक और ज़िम्मेदार मुनाफ सिद्दीकी साहब। मुनाफ भाई, कब्रिस्तान के ताल्लुक से तमाम बातें हनीफ भाई बता चुके हैं और अब उन्होंने आवाम से ताउन की अपील की है कि 4 महीने के इस लॉकडाउन के पीरियड में मस्जिदें बंद हैं, जिस तरीके से जो जमीतुल मुस्लिमीन को मस्जिद के ज़रिए लोगों का ताउन आता था, चंदा आता था, वो लगभग 4 महीने से नहीं आ रहा है। अब कब्रिस्तान का इतना बड़ा काम करने जाना है, रिनोवेशन का पूरा काम है और इसमें लोगों की मदद की ज़रूरत है, क्या कहेंगे आप मुमरा के लोगों से, तमाम ऐसे लोगों से, चाहे वो मुमरा के हो या मुमरा के बाहर के हो, जो इस मसले को संजीदगी से समझें और इसमें जमीयत की मदद करें? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सवाल है भाई, और ताउन चाहिए, लोगों का ताउन चाहिए, आखिरी मुकाम हर इंसान का ही है, तो अपना आखिरी मुकाम दुरुस्त करने के लिए हर आदमी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, मैंने आपके इंटरव्यू के जरिए बताया था कि हर आदमी को इसके अंदर हमारे को उनका कोऑपरेशन चलेगा, मिट्टी की शक्ल में, काम की शक्ल में,
फिजिकल मेहनत की शक्ल में आप आइए, ज्वाइन करिए और हमारे साथ में जुड़ के ये काम करिए। जितनी जल्दी हो सकेगा, जितनी जल्दी काम हो जाएगा आपके ज़रिए जो आने वाला है टाउन की शक्ल में जो भी, तो फटफट काम शुरू होकर हम लोग जल्दी से शुरू करने की कोशिश करेंगे। 9 जुलाई से मुमरा बाबा फखरुद्दीन शाह दरगाह स्थित जो बड़ा कब्रिस्तान है उसको बंद करने का आधिकारिक ऐलान जमीतुल मुस्लिमीन की तरफ से उसके जिम्मेदारों ने किया। साथ ही अपील भी की है कि जो लोग भी अब इस कब्रिस्तान को आते 6-7 महीने में काम करा करके दोबारा शुरू करवाने की मंशा रखते हैं, उसमें मदद करना चाहते हैं, वो ज़ाती तौर पर जमीयत का दरगाह में जो ऑफिस है वहाँ पर आए और वहाँ पर जो भी हो सके मदद करें और बाकायदा उन्हें उसकी रसीद दी जाएगी। ऐसी अपील भी जो है उन लोगों ने की है। तो ये थी किस तरह से 9 जुलाई को दरगाह कब्रिस्तान बंद हुआ है उसकी जानकारी देने वाली हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।